आपका स्टॉक चाहे जितना भी अच्छा हो, कंपनी के फंडामेंटल जितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन आपकी कंपनी की अगर इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री के अंदर फॉल होती है, तो आपको उस साइकिल को पकड़ने में एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। और यही दिक्कत आती है हमारे मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस के अंदर कि कंपनीज के जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो अप साइकिल के अंदर इतने अंडरवैल्यूड हो जाते हैं कि आपको लगता है कि इससे बढ़िया स्टॉक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सर्कल आपका साइक्लिकल का जो है वो उल्टा पड़ता है और डाउन साइड में पूरा का पूरा सेक्टर आता है, तो वही कंपनीज आपको एक ऐसी ड्रॉडाउन दिखाती है अपने फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स के अंदर कि आप हैरान हो जाते हैं कि ऐसे रेवेन्यू के अंदर भी कंपनी अपना प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन क्यों दिखा रही है। तो इसी केस के अंदर एक कंपनी का नाम है गोदावरी पावर एंड इस्पात। कंपनी हमारी कोर बिजनेस ऑफ मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर के अंदर है, जिसके अंदर कंपनी ने अपना इस टाइम रेवेन्यू ग्रोथ 7% का दिखाया है, लेकिन कंपनी के पैट के अंदर अराउंड 49% का डिक्लाइन दिखाई दिया है। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे आपकी प्राइस रियलाइजेशन मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। आपकी प्रोडक्शन तो उतनी ही रहती है, लेकिन आपका जो प्राइस रियलाइज्ड है वो हमेशा मार्केट डिटरमिंड रहता है। तो अगर उस प्राइस के अंदर एक रिडक्शन आती है और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है और आपकी बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी फिक्स्ड रहेगी, तो उस प्राइस की वजह से आपका एक प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर रिडक्शन आता है। और यही केस होता है तकरीबन तकरीबन वर्ल्ड की सारी मेटल्स एंड माइनिंग कंपनीज के अंदर। तो अगर मैं इस कंपनी के एबिटडा मार्जिन की बात करूं, तो कंपनी का लास्ट ईयर एबिटडा मार्जिन था 35% का और इस साल एबिटडा मार्जिन 20% का आ चुका है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अभी भी अराउंड 700 करोड़ का है और कंपनी की मार्केट कैप हमारी 5000 करोड़ से ऊपर की है। ऐसी कंपनीज जो अभी भी लेस देन 10 की पीई पे है, उन पे अगर नज़र आपको बनानी है तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में पता होना ज़रूरी है कि इंडस्ट्री अगर डाउन साइकिल में चल रही है तो इन स्टॉक्स के अंदर फर्दर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर डिक्लाइन ज़रूर दिखाई देगा। तो ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी सी इंडस्ट्री की नॉलेज ज़रूरी होती है पढ़नी। अब कंपनी की अगर मैं बाकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो ये एक ग्रेड 1 कंपनी मेरे हिसाब से लगती है, क्योंकि कंपनी ने अपना पूरा का पूरा डेट खत्म कर दिया है, कंपनी कैश पॉजिटिव है और कंपनी की बैलेंस शीट में इस टाइम 800 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। तो कंपनी की सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि कंपनी ने अपने अप साइकिल के अंदर अपने मार्जिन्स के अंदर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया, जो कि 35% के मार्जिन मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर के अंदर एक ग्रेड A कंपनी मानी जाती है। उस टाइम के अंदर कंपनी ने अपना डेट मैसिवली रिड्यूस किया, कंपनी कैश पॉजिटिव आई और जब कंपनी का बुरा वक्त शुरू हुआ तो कंपनी के पास डेट रिपेमेंट की दिक्कत नहीं थी। तो इसी वजह से कंपनी अभी भी लेस देन 10 की पीई पे है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इस टाइम फिलहाल नेगेटिव इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। कंपनी ने अपने अच्छे टाइम के अंदर कैश बायबैक भी किया, 250 करोड़ के बायबैक के बाद मुझे लगता है कि कंपनी की स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है कि कंपनी जब अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाती है तो कंपनी एक छोटा सा बायबैक भी करती है शेयर होल्डर कम्युनिटी के लिए। और ऐसे बायबैक्स अगर रेगुलर इंटरवल्स पे दिखाई दें तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है। ऐसा सेक्टर जो कि बहुत खतरनाक रहता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल नेचर, और उस सेक्टर के अंदर अगर आप अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई कर ले तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। मुझे लगता है कि इस कंपनी में दम है, लेकिन ये कंपनी एक मिड कैप स्पेस के अंदर है जहां पे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कंपनी के पिछले साल के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस थे 1300 करोड़ के और इस साल कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 900 करोड़ का है। तो मुझे लगता है कि अभी तक कंपनी ने जितने भी फाइनेंशियल नंबर्स थ्रो करे हैं मार्केट के अंदर उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इंडस्ट्री चल रही है उसके अंदर आपकी कंपनी जो है वो इस टाइम शाइन करती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं इस कंपनी में काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा हूँ और आगे भी मुझे लगता है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। थैंक यू।